الرحيم سورة النساء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم. ये जो पहली आयत करीमा है आज सूरह निसा शुरू हो रहा है। अल्लाह के फजल से दो बड़ी सूरतें ख़त्म हो गई, एक सूरह बकरा एक सूरह आल इमरान। ये भी ज़रा बड़ी सूरत है, तकरीबन डेढ़ पारे पर मुश्तमिल है। ये जो सूरत की पहली आयत करीमा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के खुतबे में पढ़ते थे, और भी दो आयतें हैं। उन आयत में एक आयत ये भी होती थी, ना खुतबा ज़रूरी है निकाह के लिए और ना निकाह के खुतबे में इस आयत का पढ़ना ज़रूरी है। खुतबा मसनून है, खुतबा क्या है? मसनून है, सुन्नत है, खुतबे के बग़ैर भी निकाह हो जाता है। अल्लाह कहते हैं या यूहन्नास, ए इंसानों, मुसलमानों नहीं, इत्तकु रब्बकुम, तुम अपने परवरदिगार से डरो। इत्तकु, इसी से तकवा है। तकवा कहते हैं बचने को। आदमी किसी चीज़ से उस वक्त बचता है जब उसका खौफ दिल में होता है, इसीलिए लाजमी तर्जमा कर दिया जाता है तुम अपने परवरदिगार से डरो। परवरदिगार से क्या डरोगे? परवरदिगार की मुखालफत से डरो, मुखालफत से बचो, उसकी नाफरमानी ना करो। ये मतलब है परवरदिगार से डरने का, मतलब परवरदिगार के अहकामात की नाफरमानी ना करो, अहकामात को पामाल ना करो, ना तोड़ो। हुक्म दिया जा रहा है और हुक्म अल्लाह ताला की सिफत रबूबियत का हवाला देकर तमहीद मानी जा रही है कि तुमको उस परवरदिगार के अहकामात को पामाल करने से बचने का हुक्म दिया जा रहा है जो तुम्हारा परवरदिगार है, जो तुम्हारा पालनहार है, जो तुम्हारी रोजी का जिम्मेदार है। आदमी एक कंपनी में काम करता है, कंपनी का मालिक जो बोलेगा वो सुनेगा तो रहेगा, अगर उससे बगावत करेगा तो उसे उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये आदमी की फितरत है। आदमी के फितरत में जो बात है उसका तकाजा ये है कि आदमी अपने परवरदिगार के अहकामात को ना तोड़े, इसलिए कि वही तुम्हारा परवरदिगार है। रब कहते हैं, ये अरबी जबान का लफ्ज़ है। एक चीज़ मादूम थी, उसका कोई वजूद नहीं था, अल्लाह ने वजूद बख्शा। वजूद बख्शने के बाद उसके बाकी रहने के असबाब पैदा फरमाए और फिर बितदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, बच्चा पैदा होते ही 15 साल का हो गया, चलने फिरने लग गया, ऐसा नहीं होता। बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल तो दूध पीता है बच्चा, रफ्ता रफ्ता कुव्वत आती है, जब पैदा होता है
तो ना वो बात कर सकता है और ना चल सकता है। कितना कमज़ोर होता है बच्चा, चलते 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 पहले रेंगता है, फिर उसके बाद जो है और रेंगने की शक्ल बदलता है, फिर उसके बाद जो है वो गिरते गिरते चलता है, फिर उसके बाद सीधा चलने लगता है, फिर चलते चलते नौजवान हो जाता है। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि इधर पैदा हुआ इधर कमाने का काबिल हो जाए, ये मुश्किल नहीं था अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह की आदत नहीं है ऐसे, अल्लाह की सुन्नत नहीं है, तो रब उसे कहते हैं। और खिताब पूरे इंसानों को किया जा रहा है, इसलिए कि पूरी इंसानियत मुत्तफिक है इस बात पर कि इस कायनात का एक ही खालिक है। ये जो अरब वाले शिर्क करते थे वो ये नहीं कहते थे कि इस आसमान और जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह के अलावा भी कोई है, वो ये नहीं कहते थे। वो ये कहते थे कि इस आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, हमको पैदा करने वाला एक ही परवरदिगार है, लेकिन अल्लाह उसी परवरदिगार ने छोटे छोटे खुदाओं को बनाकर उनको कुछ इख्तियारात दिए हैं। हम इन छोटे छोटे खुदाओं की पूजा इसलिए करते हैं ताकि इनकी पूजा करने से हमको अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो। वो बुतों की पूजा को सबबे क़ुर्ब जानते थे। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना ज़ुल्फ़ा, ये लिख करके, ये लिखने के बाद शाउलीउल्लाह साहब लिखते हैं हिंदुस्तान के मुशरिकीन का शिर्क उससे भी बड़ा हुआ है। ये बराह रास्त उसको खुदा मानकर शिर्क करते हैं, ये समझने की बात है। इत्तकु रब्बकुम, पूरी इंसानियत से खिताब जा रहा है। अच्छा, रब्बी हमारा वही है, अल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हारा खालिक भी वही है, तुम्हारा परवरदिगार भी वही है और तुम्हारा खालिक भी वही है। जो खालिक है, जो परवरदिगार है, उसके अहकामात को पामाल करने से बचो। अब तर्जमा हो गया, तुमको पैदा किया, उसके बाद एक नजरिए का ऐलान कर रहा है इस्लाम। किसका ऐलान कर रहा है? एक नजरिए का ऐलान कर रहा है इस्लाम। कहता मिन नफ्सिं वाहिदा, तुमको हमने एक जान से पैदा किया है। किससे पैदा किया? एक जान से पैदा किया। अब मैं मुफस्सिरीन के इख्तलाफात को नकल करने के बजाय जो जमहूर का मसलक है, मौकफ़ है, वो जिक्र करूँगा। मिन नफ्सिं वाहिदा से मुराद हज़रत आदम की ज़ात है। हज़रत आदम की पसली से हज़रत हव्वा को बनाया। किससे बनाया? पसली से। हज़रत पहले हज़रत मिट्टी से हज़रत आदम को बनाया, आदम फिर उसमें रूह फूंके तो हज़रत आदम तैयार हो गए, और फिर उसकी पसली से हज़रत हव्वा को बनाया। ठीक है, फिर इन दोनों को ज़रिया बनाकर अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के काफ़िले को आगे बढ़ाने का फ़ैसला फरमाया। पैदा करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं अल्लाह के, लेकिन इंसानों को पैदा करने का यह तरीक़ा इख्तियार फरमाया। यानी ये कहना चाहता है कुरान, पूरी इंसानियत एक माँ बाप की औलाद है। जिस तरह खुदा एक है, इस तरह पूरी इंसानियत के माँ बाप भी एक हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ भाईचारगी, हमदर्दी, एक दूसरे की खैरख्वाही, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे के हुकूक अदा करना, जात पात, ऊंच नीच, नस्ल की बुनियाद पर, ख़ानदानों की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, काले गोरों का झगड़ा अमेरिका में बहुत मशहूर है, काले गोरे, ये काले ये गोरे, हाँ, और हिंदुओं के यहाँ ऊंच नीच जात पात की तफरीक पहले तो थी, अब भी है, हाँ, वो जो गिरी हुई जात के लोग हैं उनको वो अपने घर में नहीं बुलाते, उनको वो बाहर सहन में बैठ कर खाने खिलाते हैं, और उनको अपने बर्तनों में नहीं खिलाते, वो अलग बर्तन में खिलाते हैं, वो उनके घर के बर्तन नहीं छीन सकते, घर के अंदर नहीं आ सकते, उनकी मंदिरों में नहीं जा सकते,
निचली जात का आदमी, ऊंची जात के बने हुए लोग जो है, जो ऊंचे खानदानों के लोग होते हैं, उनकी मंदिर अलग होते हैं। उन मंदिरों में, उनकी उन इबादत गाहों में ये निचली जात वाले लोग नहीं जा सकते। इस्लाम ने तमाम को, हुजूर ने इस उम्मत के आखिरी नबी ने अपने पांव तले इन तमाम जो है जात पात के इख्तलाफत को अपने पांव तले रौंदा है। इसलिए आखिरी खुतबे में हुजूर ने फरमाया था, कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, एक माँ बाप की औलाद हो। और फरमाया था तुम में किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत नहीं, इल्ला बि तक्वा। हाँ, जो तुम में जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है वो उतना ज्यादा काबिल कदर है अल्लाह के। इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, उस आदमी का वजन ज्यादा है, उस आदमी की ज्यादा कदर व कीमत है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारता है। गो वो गरीब हो, उसके 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 जेब में एक पाई भी नहीं, वो रात को भूखा सोता है लेकिन अल्लाह से डरता है, तो वो बादशाह से भी ज्यादा अफजल है। ये इस्लाम ने नुक्ते नजर पेश किया, मिन नफ्सिन वाहिदा खलक मिन्हा ज़ौजहा, और हव्वा को, उस उनकी जोड़े को, ज़ौज के माने जोड़ा, हजरत हव्वा को हजरत आदम से पैदा किया। खलक मिन्हा ज़ौजहा, बाद रिवायतों में जो आता है, खुलिकत मिन ज़िला, औरत को पसली से बनाया गया है, यानी किसकी पसली से, हजरत आदम की पसली से। बाद लोग ये कहते हैं, बाज मुहद्दिसीन शारहीन ये कहते हैं कि इसमें औरत की फितरत को बताया गया है कि औरत की फितरत में कजी है, औरत की फितरत में टेढ़ापन होता है, बहुत ज्यादा सीधा करने जाओगे टूट कर टुकड़े हो जाएगी। वो कसरु हत्तलाक, और उसका टूटना यह है कि तलाक तक नौबत आएगी, इसलिए उसके टेढ़ेपन को बाकी रहते हुए, उसके टेढ़ेपन को बाकी रहते हुए जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। अगर तुमने ठान ली कि मैं सीधा करके रहूंगा, वो सीधा नहीं होगी, तलाक होगी, ये कहना चाहता है इस्लाम। वह बस सामिन हुमा रिजा, लेकिन शारहीन ने उसका यह जवाब दिया है, जब एक बात को सीधा सीधा लिया जा सकता है, सीधा सीधा लिया जा सकता है, बच्चों को भेजो, जब एक बात को सीधा सीधा लिया जा सकता है के हजरत हव्वा को अल्लाह ने हजरत आदम की पसली से बनाया, ये पढ़ते ही समझ में आने वाली बात है, गो उसके दलाइल भी हैं। वबस्सा मिन्हुमा, और इन हजरत आदम और हव्वा को जरिया बनाकर अल्लाह ताला ने बेशुमार मर्द औरतों के बर्पा करने का फैसला फरमाया, ये शक्ल अल्लाह ने। फिर उसके बाद जो है वो बच्चे पैदा हुए, लड़के भी हुए, लड़कियां भी हुई, फिर दोनों की शादियाँ हुई, फिर बच्चे हुए, फिर उनके भी लड़के हुए, लड़कियाँ हुई, दोनों की शादियाँ, फिर बच्चे हुए, ये सिलसिला चला। एक ही आयत में दो मरतबा अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलूना बिही, जिसका हवाला देकर तुम अपने मामलात में सवाल करते हो, अपने हुकूक का मुतालबा करते हो। इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह को डरने जैसी जात समझते हो, अल्लाह के बारे में तुम ये समझते हो कि अल्लाह अल्लाह से डरना चाहिए। जब तुम ये खुद समझते हो और दूसरों को अल्लाह से डरने का हवाला देते हो, तो इसका मतलब है कि तुम खुद समझते हो कि अल्लाह डरने जैसी चीज है, यानी अल्लाह के अहकामत को नहीं तोड़ना चाहिए, तभी तो सामने वाले को हवाला दे रहे हो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही, बर्बाद, खत्म है। ये वला रहम बिल्कुल एक अलग जुमला है जो वत्तकु से जुड़ा हुआ है, अल्लाह से डरो, वला रहम। इन बच्चों को भेज दो, एक तो अल्लाह से डरो और दूसरा फरमाया वला रहम, रिश्तेदारों के हुकूक पामाल करने से डरो। ये अरबी जबान है, बोलते ही समझ में आ जाता है कहने वाला क्या कह रहा है। ये हम हिंदुस्तानियों को इसकी हिंदी की चिंदी करनी पड़ती है, बाल की खाल निकालनी पड़ती है, वरना जब ये कहा जाता है तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वला रहम, यानी अल्लाह के हुकूक को भी पामाल ना करो, और इसी तरह अपने रिश्तेदारों के हुकूक को भी पामाल ना करो। इसलिए कि जब आदमी शादी हो जाता है,
जौज का जिक्र ऊपर आया, जब अपनी शादी हो जाता है तो रिश्तेदारियाँ बढ़ जाती हैं, साला बन जाता है, और जो है इधर सास बन जाती है, इधर उसका ससुर है, इस तरह दोनों तरफ रिश्तेदारियाँ बढ़ती हैं, बढ़ते हैं। रिश्तेदारों के बारे में कहा, हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद का हवाला दिया, वो रिश्तेदारों के हुकूक को पामाल करने से बचो, उनके हुकूक अदा करो, चाहे अपने वालिदैन के वालिद के रिश्तेदार हों, या वालिदा के रिश्तेदार हों, या अपने बीवी के रिश्तेदार हों, सब किसी रिश्तेदार के हुकूक नहीं पामाल करने चाहिए। हुकूक लिबात का एहतमाम की तरफ तवज्जो दिलाई गई। वल अरहाम, ओ अरहाम रहमून की जमात, बच्चा दानी को कहते हैं। दुनिया में आने से पहले बच्चा माँ की बच्चा दानी में होता है, रहम जिसे कहते हैं, माँ के रहम में। वल अरहाम, हदीस में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काति'उन, जो रिश्तेदारों के हुकूक पामाल करता है वह जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह पर बताइए, मैं हमेशा सुनाया करता हूँ वह हदीस जिसमें हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत डाल दी जाए, बहुत गौर से सुनो, इसकी हर आदमी को ज़रूरत है, बरकत, उम्र की बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। बरकत दो तरह होती है, एक आदमी की उम्र 50 साल थी, 60 हो गई, 60 थी 70 हो गई, 70 थी 80 कर दिया अल्लाह ने, 80 थी 90 कर दिया, ऐसा भी होता है। बाद मरता बरकत ऐसी होती है, उम्र तो 50 है लेकिन वो 50 साल में आदमी इतने काम कर जाता है कि रहती दुनिया तक उसके काम की काम से लोग फ़ायदा उठाते हैं। हज़रत मौलाना कासिम मोहम्मद मोहम्मद कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह की 40 पर 9 साल उम्र हुई, कितनी 40 पर इंतकाल होकर कितने साल हो गए, 150 से ज़्यादा हो गया, 100 साल से ज़्यादा नानोती का, पूरी दुनिया में फैस फैल गया, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है काम, घट नहीं रहा। ये मकबूलियत, ये है बरकत उम्र में। जो आदमी यह चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत डाल दी जाए और उस पर रोजी के दहाने खोल दिए जाएं और उसे बुरी मौत से बचा लिया जाए, बुरी मौत क्या है, कुफ्र पर मर जाना, निफाक पर मरना, या नहीं तो आदमी जल कर मर जाना, हादसे की मौत मर जाना, बैठा हुआ था इमारत गिर गई दब कर मर गया, डूब कर जल कर हादसे की मौत, दब कर मर जाना, ये सारी बुरी मौत है। हुजूर ने बुरी मौत से बचा पना मांगी है। जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत डाल दी जाए, उस पर रोजी के दहाने खोल दिए जाए और उसे बुरी मौत से बचा लिया जाए, तो उसे दो काम करने पड़ेंगे, एक अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये फरमाया, अल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम, आगे एक अजीब बात फरमाई, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बिला शुबा अल्लाह ताला तुम्हारी निगरानी कर रहा है। हाँ, यानी कानूनी बात नहीं कही, ये कहा कि अल्लाह ताला 24 घंटे तुम्हारे आमाल पर नजर रखे हुए है। वो 30वें पारे के सूरे फज्र में आयत है, इन्ना रब्बा का लबिल मिरसाद, अल्लाह तुम्हारी घात में बैठा हुआ है, जैसे एक शिकारी शिकार करने वाला छुप कर बैठता है, छुप कर अपने शिकार को देखता है, कहते हैं अल्लाह ताला इस तरह बंदों को देख रहा है। ये कहकर अल्लाह ये कहना चाहते हैं,
हमारे अहकामात को वो हमारे अहकामात पर वो अमल करेगा जिसको हमारी इस सिफत का इस्तेहजार होगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कानून कहाँ तक काम करेगा? बंद कमरे में तो नहीं आएगा कानून, सिर्फ कानून आपसी हमदर्दियां और खैरखाइयां नहीं पैदा कर सकता दिल में, लेकिन ये अल्लाह की इस सिफत का अगर इस्तेजार रहे तो आदमी अल्लाह के भी हुकूक पामाल करने से बचेगा और रिश्तेदारों और बंदों के हुकूक को पामाल करने से भी बचेगा। जो आदमी अल्लाह के या बंदों के हुकूक को पामाल करता है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की इस सिफत का इस्तेजार नहीं है, वो इस बात को भूल गया है कि अल्लाह उसे देख रहा है। और फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं। आगे फरमाया वातुल यतामा अमवालहुम, फरमाया कि यतीम, यतीम कहते हैं इस्तेलाह में, यतीम कहते हैं असल में अलग होने को, यतीम किसे कहते हैं, एक तन्हा हो जाने को यतीम कहते हैं अरबी जबान में। इसीलिए सीपी, सीपी जानते हो समंदरों में सीपी होती है, सीपी जब बारिश होती है तो सीपियां मुंह खोले हुए ऊपर आती हैं, तो पानी का कतरा उसमें जाता है तो मुंह बंद हो गया, बंद हो गया। किसी में एक, किसी में दो हीरे बनते हैं। पानी के खतरे को अल्लाह हीरा बनाते हैं। और जिस सीपी के अंदर एक कतरा होता है, जिस सीपी के अंदर सिर्फ एक हीरा बनता है, उसे कहते हैं दुर्रे यतीम, तन्हा है, उसी से यतीम का। लेकिन इस्तेलाह में कहते हैं वो नाबालिग बच्चा, वो नाबालिग बच्चा या बच्ची, वो नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो उसे कहते हैं यतीम। जानवरों में यतीम उसे कहते हैं जिसकी माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए कि बाप कौन है पता नहीं। जानवरों में बाप कौन, जानवरों में बाप का पता नहीं होता, इंसानों में बाप का पता होता है। इसलिए इंसानों में यतीम उस कहते हैं कि बच्चा नाबालिग है और बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा हो या बच्चे। और जानवरों में यतीम उसे कहते हैं जिसकी माँ का इंतकाल हो गया। तो अल्लाह कहते हैं वातुल यतामा अमवालहुम, यतीमों का माल यतीमों को दो, उसमें से मत खाओ। हाँ, अगर उसकी जो परवरिश करने वाला जिम्मेदार है वो गरीब है तो उसकी खिदमत कर रहा है यतीम की, तो वो सर्विस चार्ज ले सकता है, सर्विस चार्ज के तौर पर उस यतीम के माल से बकदरे जरूरत खा सकता है। लेकिन अगर जो जिम्मेदार है वो खुद मालदार है, अब वो यतीम के माल से नहीं खाएगा, यतीम का माल यतीम को खिलाएगा, अपने खाने का इंतजाम अलग करेगा, या नहीं तो अगर दोनों का खाना मिलकर पक रहा है तो यतीम के खाने में अपना खाना मिला देगा, अपने चावल मिला देगा, अपना अपना राशन मिला देगा। और यतीम जब तक नाबालिग है, यतीम कहते हैं नाबालिग को है, विरासत में माल आया यानी तो किसी ने हदिया कर दिया था वह माल, कहते हैं उस माल की हिफाजत करके बालिग होने के बाद उसे पहुंचाओ, बालिग होने तक, सियाना समझदार होने तक उस माल की हिफाजत करके यतीम तक माल पहुंचाओ। यह मतलब है आयत का वातुल यतामा अमवालहुम। आगे फरमाया वला ततबद्दलुल खबीस बित्तैयिब, एक खेत तुम्हारा है, एक खेत यतीम का है, तुम्हारे खेत में घटिया माल पैदा हुआ, यतीम के खेत में उम्दा माल पैदा हुआ, तुमने इस खेत के अच्छे अच्छे यतीम के अच्छे चावल ले लिए, अपने घटिया चावल उसे दे दिए। तुम्हारी बकरी मरियल थी, उसकी उम्दा बकरी थी, उम्दा बकरी लेके मरियल बकरी उसके अकाउंट में डाल दिया, ऐसा मत करो। या नहीं तो खरा सिक्का तुमने ले लिया, खोटे सिक्के उसके अकाउंट में डाल दिया। वला ततबद्दलुल खबीस बित्तैयिब, हाँ, अच्छा माल लेकर बुरा माल उसके अकाउंट में मत डालो। दूसरा हुक्म, तीसरा हुक्म, वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, अगर तुम्हें ज़रूरत ना हो, तुम खुद मालदार हो तो यतीम का माल ना खाओ। इन्नहु काना हुबन कबीरा, ये गुना भी है, गुना छोटा नहीं है, गुना बड़ा है, बहुत बड़ा गुना है, कबीरा है। कुरान ने खुद कबीरा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, ये बहुत बड़ा गुना है।
आगे एक निकाह का हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था कि जो लड़की का ज़िम्मेदार होता था, अगर ये देखता था, कभी ऐसा होता कि वो जो यतीम लड़की है उसके पास जायदाद है, उसके पास क्या है, जायदाद है, तो वो जायदाद हासिल करने के लिए उससे निकाह करता था। जायदाद भी आ गई और फिर उसका कोई जिम्मेदार नहीं लड़की का, उसकी वजह से बहुत कम मेहर पर निकाह कर लेता था, इसलिए कि पूछने वाला कोई नहीं, बाप हो तो मेहर मांगेगा और फिर उसके दूसरी मसलिहतों का ख्याल करेगा। बाप ना होने की वजह से वो जो लड़की का के पास जायदाद है वो भी आ जाती थी, बैठे बिठाए घर जायदाद आ गई, इसलिए कि उसका शोहर बन गया। और दूसरा मेहर मामूली मेहर बांध करके देते, जो है उस पर निकाह हो गया। तो आगे कह रहा है वो इन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा, यतीम लड़कियों से निकाह करने में अगर तुमको ये खतरा हो कि तुम अदलो इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, और चूंकि लड़की का कोई पूछने वाला जिम्मेदार नहीं है, इसलिए एक तो जायदाद आ गई, दूसरा कम मेहर पर निकाह कर लिया, और तीसरा चूंकि लड़की का कोई जिम्मेदार नहीं, पूछने वाला नहीं, तो उसके साथ सुलूक भी अच्छा नहीं करते थे, गुलाम बना करके उसे रखते थे। अंदाजा लगाइए औरतों को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, औरतों के हुकूक पर कैसे पहरे बिठा दिए हैं इस्लाम ने। अगर तुम्हें यह खतरा हो औरतों यतीम लड़कियों से शादी करने में, अगर तुम्हें अदल न करने का खतरा हो, तो कहा फन की हूँ माता मलकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तो उन औरतों से निकाह करो जिनका कोई जिम्मेदार है, जो तुम्हारे लिए हलाल भी हो और तुम्हें पसंद भी हो, निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, बशर्ते कि वो हलाल भी हो, जो तुम्हें पसंद हो बशर्ते कि हलाल भी हो। माँ ताबा के दो तफसीरें आए, दोनों का तर्जुमा मैंने इस तरह किया है, निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो, इसलिए कि हर हलाल औरत पसंद आना कोई ज़रूरी नहीं, एक औरत है हलाल है, इनको पसंद है मुझे पसंद नहीं, ऐसा हो सकता, हर एक की पसंद अलग अलग है, हर एक का पैमाना अलग अलग है। फन के हूँ माता बालकुम मिनन निसा, तो आज़ाद औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, मसना व सुलास व रुबा, दो दो, तीन तीन, चार चार। हाँ, इस आयत से बिल इजमा, बहुत गौर से सुनो इसको, बिल इजमा यानी अहले सुन्नत वल जमात का इजमा मुराद है, गुमराह फिरकों का इजमा मुराद नहीं। अगर गुमराह फिरके गलो इख्तिलाफ करें तो इजमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्सरियत देखी जाती है। हमेशा मैं कहता आया हूं और वातसिमु बिहब्लिल्लाह की तफसीर में बड़ी तफसील से मैंने कलाम किया है, हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, हब्लुल्लाह की मुराद क्या है। जब तक हब्लुल्लाह की मुराद मुतय्यन नहीं होगी वातसिमु बेकार है। हर आदमी कहेगा ये हब्लुल्लाह है, हर आदमी कहेगा सहाबी का ये कौल हब्लुल्लाह है, हर आदमी कहेगा इस इमाम का ये इक्के दुक्के बेशुमार कौल किताबों में लिखे हुए हैं, ये बात लोगों लिखे हुए हैं कि ये मसना व सलासा व रुबा से, मसना से दो और सलासा से, मसना सलासा और दो तीन मिलाकर कितने हो गए, दो तीन पाँच और चार, कितने हो गए, नौ औरतों से निकाह कर सकते हैं। और बाजों ने कहा मसना मसना चार, सुलासा सुलासा तीन तीन छः और चार कितने हो गए, दस, रुबा चार चार आठ, अठारह औरतों से निकाह कर सकते हैं। गालिबन शिया का मसलक है, मुझे इस वक्त याद नहीं है मसलक किन का है, गुमराह फिरकों का मसलक है। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चार औरतों से निकाह कर सकते हैं, कितनी औरतों से, बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चार औरतों से निकाह कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चार में से एक का इंतकाल हो गया, फिर एक को कर लिया, दो महीने के बाद एक और का इंतकाल हो गया और एक को कर लिया, और जो है एक साल के बाद एक और बीवी का इंतकाल हो गया, एक और कर लिया, तीन साल के बाद तीन बीवियों का इंतकाल हो गया, तीन बीवियों को फिर ले आया, इस तरह करते करते सौ तक तादाद पहुंची तो चलेगा, लेकिन बैक वक्त चार औरतों को,
हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थी। कितनी? 11 बीवियाँ थी। इस वक्त तफसील से कलाम करने का मौका नहीं है, ये एक मुस्तकिल मौजू है सीरत का। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है, कसरत उलमा के लिए अर्ज है, कसरत अजवाज ली साहिबिल मेराज, किताबों के नाम रखने में रुस्तुम थे हज़रत थानवी बड़े रुस्तुम थे, कसरत अजवाज ली साहिबिल मेराज। और एक एक खत का एक एक नाम है, जो दो लाइन का एक खत है। तरबियतु सालिक 3 जिल्दों में है, उलमा के पढ़ने की चीज़ है, उलमा के पढ़ने की चीज़ है। एक एक लफ्ज़ ऐसा मालूम होता है कि ये मुजद्दिद का कलम है, मुहक्किक का नहीं। मुहक्किक का दर्जा बहुत नीचे होता है, मुजद्दिद मुजद्दिद होता है। हजरत थानवी का एक एक ढाई लाइन का एक रिसाला है, ढाई लाइन का, ढाई सफ़े का नहीं, ढाई सत्रों का एक रिसाला है, जिस उसका भी एक नाम है जो किसी के ख़त के जवाब में हज़रत ने लिखा था। तो मैं कह रहा था बैक वक्त हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, 11 थी लेकिन 11 से ज़्यादा मना, वला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादू, 11 के बाद ख़त्म, अब नहीं कर सकते निकाह। लेकिन एक उम्मती को बैक वक्त 4 रखने की इजाज़त है, लेकिन इंतकाल हो गए एक लाया फिर निकाह में 2 का इंतकाल हो गया फिर, तो इस तरह अगर 100-200 तक भी तादाद पहुंची चलेगा। पहले ज़माने जाहिलियत में बाज़ की 100-100 बीवियां होती थी, बाज़ की 30 बीवियां, 8-9 बीवियां। और एक साहबी फरमाती मैं जब इस्लाम लाया तो मेरी 10 बीवियाँ थी, बाज़ कहते मेरे निकाह में 8 बीवियाँ थी। इस तरह मुख्तलिफ, बाद में हुजूर ने 4 रखकर बाकी को तलाक देने का हुक्म दिया, 4। हाँ, ये जो यूरोप है, ये मगरिब, ये इस्लाम के खिलाफ बर्पा किया गया निज़ाम है। ये मगरिब यूरोप, वेस्टर्न ममालिक जिसे कहा जाता है, ये इस्लाम के बिल्कुल जिद में जारी किया हुआ एक निज़ाम है। जो इस्लाम करे वो अच्छा है या नहीं है उससे मतलब नहीं, उसके खिलाफ जारी करो। उसने कहा एक से ज़्यादा शादी करना ठीक नहीं, एक से ज़्यादा पर पाबंदी लगा दी, और कहा कि एक से ज़्यादा शादी करने से औरतों के हुकूक ज़ाया होते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा कोई शादी नहीं कर सकता, ये कह दिया। लेकिन उधर जिना को आसान बना दिया, एक आदमी 10-10 औरतों को रख रहा है बगैर निकाह के, वो उनके यहां पसंदीदा है। 4 निकाह को मना करते हैं, एक से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते लेकिन 100 रख सकते हैं बगैर निकाह के। जिसने भी इन 4 शादियों की फितरत के खिलाफ आवाज, ये 4 शादियां इसलिए कि ऐसा हो सकता है कि बाज लोगों को 4-4 शादियों की जरूरत पड़ती है, जिसकी कुव्वत अच्छी है। मैं एक बात कहूं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, बहुत सख्त है बात, मुझे खुद कहते हुए लर्जा अतारी है मेरे ऊपर। अगर कोई ये कहे कि तुम्हारा जो नबी है वो नामर्द है, तुम्हें अच्छा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मर्दानगी एक खूबी है, एक कमाल है। जो नामर्द होता है छुप कर फिरता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4,000 मर्दों के बराबर ताकत अता फरमाई थी, 4,000 मर्दों के बराबर। बताइए जिसकी कुव्वत 4,000 मर्दों के बराबर हो, कितनी बीवियां चाहिए उसे? कम से कम 1,000। जिसको 1,000 बीवियों की ज़रूरत हो वो 11 पर इक्तफा कर रहा हो, तो ये कमाल नहीं है नबी का? ये कमाल रूहानियत है। ये तफसील का मौका नहीं है, कभी मौका होगा तो बहुत तफसील से अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। आगे कहा 4 की इजाज़त तो दी, 4। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मर्द की कुव्वत ज़्यादा होती है, कभी ऐसा होता है कि एक औरत मुसलसल बीमार है, क्या करेगा उसे लेकर के? उसे तलाक देना गुनाह है। अगर शादी करके, जब शादी करके लाया तो अच्छी थी ना, अब बीमार हो गई बेचारी, अब क्या करोगे उसे? घर से अलग कर दोगे? बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ, कैसे रखो, उसकी खिदमत करो। मुसलसल बीमार रहती है एक। और कभी ऐसा होता है कि कभी कभी माशरे में औरतों की पैदावार ज़्यादा हो जाती है मर्दों के मुकाबले में, तो एक मर्द एक औरत को करेगा, बाकी औरतें कहाँ जाएंगी?
ऐसा होता है। और कभी ऐसा होता है कि एक औरत है लेकिन बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो गई। ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें आ सकती हैं, उसकी वजह से इस्लाम ने इजाज़त दी 1, 2, 3, 4 तक कर सकते हो, बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीवियों को रख सकते हो, लेकिन शर्त बड़ी कड़ी है। हाँ, लोहे के चने हैं, बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो, नाक से चबाना है, हैं लोहे के चने, और किससे चबाना है, नाक से। आसान है, आसान नहीं है, शर्त बड़ी कड़ी है, याद रखो। ये मुझे इसलिए तफसील करनी पड़ रही है, पड़ोस मुल्क के बाज उलामा 2, 2, 3, 3, 4, 4 शादियां करने को ऐसी इतनी कुव्वत से बयान कर रहे हैं बयानों में, हर 4 बयान में एक बयान शादी का है, इसलिए मुझे अर्ज करना पड़ रहा है। कुरान कहता है फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, अगर तुम्हें ये खतरा हो, अंदेशा हो कि मैं दूसरी बीवी को लाकर दोनों में बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी 2 चीजों में होती है, नानो नफके में, घर कपड़ा, घर कपड़ा, खाने पीने का इंतजाम, दवा दारू का इंतजाम, सवारी का इंतजाम, ये दूसरा या नफके में आ गए, और दूसरा नफके में बराबरी, इसके पास एक रात गुजारेगा तो उसके पास एक रात गुजारेगा। आज मगरिब में इस घर ये बीवी के घर पहुंच गया तो दूसरे दिन मगरिब में दूसरी बीवी के घर पहुंचेगा, नहीं एक बीवी अच्छी पसंद आ गई तो पड़ा है 3 दिन वहीं पर, दूसरी बीवी करके लाया तो पहली बीवी जीते जी बेवा हो गई, दूसरी बीवी जीते जी बेवा हो गई, ऐसों के लिए दूसरी शादी करना हराम है, हराम है, हराम है। फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, आगे फरमाया अगर एक बीवी को भी निभा नहीं सकते तो बांदी कर लो। अब बांदियों का रिवाज खत्म है, एक बार तफसील से समझाऊंगा बांदी किसे कहते हैं, उसकी क्या जरूरत पेश आई थी, बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा है। जालिका अदना अल्लाह तऊलो, जालिका आइंदा जो अर्ज करूं इंशाल्लाह, जालिका अदना अल्लाह तऊलो, एक बीवी को निभाना आसान है, उसमें क्या, हाँ ये अच्छा, 2 बीवियों में एतेदाल करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल बहुत है, मैंने कहा ना लोहे के चने हैं, लेकिन एक बीवी के साथ हुस्ने सुलूक भी मुश्किल है, एक बीवी पर जुल्म करने वालों की तादाद भी बहुत है, तलाश करो मिलेगा, और दारुल क़ज़ाए भर गए हैं, पुलिस स्टेशनों में जाकर पूछो, हर 2 दिन में 4 वाकियात आते हैं, और मुसलमानों के आते हैं। फरमाया एक बीवी की अजाली का अदना अल्लाह तऊलु, हाँ एक बीवी के साथ हुस्ने सुलूक करना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बीवियां 4 बीवियों के मुकाबले में एक बीवियों के साथ एक बीवी को निभाना आसान है। जालिका अदना अल्लाह तऊलो, आगे फरमाया वातुन्निसा सदुकातिहिन्न निहला, 3 बातें इरशाद फरमाई इसमें, देखने कैसा लग रहा ना, इतनी छोटे इसमें 3 अहकाम हैं, निकाह में निकाह के 2 अरकान हैं, कितने अरकान हैं बोलो, 2 रुकन हैं निकाह के, एक ईजाब व कबूल, लड़के ने कहा मुझे तुम पसंद हो, लड़के ने लड़की से कहा, 2 गवाहों की मौजूदगी में कहा, 2 गवाह चाहिए बोलो, 2 दोनों के दोनों बालिग हो, 2 हो दोनों के दोनों बालिग हो और दोनों के दोनों मुसलमान हो, 2 हो दोनों के दोनों बाली हो और दोनों के दोनों मुसलमान हो, या नहीं तो एक मर्द 2 औरतें, उनकी मौजूदगी में लड़के ने कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, लड़की से कहा, लड़की ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है, या लड़की ने कहा मैं आपके निकाह में आना चाहती हूं, लड़के ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर है, हो गया निकाह, ईजाब कबूल इसे कहते हैं। दूसरा माली खर्च, बहुत गौर से सुनो, माली खर्च एक ही है, कितने हैं, एक ही है, वो है मेहर, कम से कम 30 पर 2 ग्राम, 3 तोले, कितने, हाँ
दस दिरहम जो आता है ना उसके 30 पर 2 ग्राम बनते हैं, तोले नहीं, 3 तोले से ज्यादा, आज के हिसाब से 2000 रुपये, 2000 रुपये में निकाह जाता है। मुझे याद आता है इब्ने नुजैम एक बहुत बड़े फकीह हैं, उनका एक जुमला नकल किया गया है किताबों में, कहते हैं दो मर्दों की मौजूदगी में जब 2000 रुपये पर निकाह हो सकता है, मुझे ताज्जुब है उस मुसलमान हनफी पर कि उसके बावजूद बदकारी के रास्ते पर जाता है। बेगैरती नहीं है, कमीना नहीं है, के रजालत नहीं है, दो गवाहों की मौजूदगी में 2000 रुपये पर एक हलाल शर्मगा उसके हिस्से में आ सकती है, तो उसके बावजूद बदकारी की तरफ जाने का क्या मतलब है। कहते मुझे ताज्जुब है ऐसे हनफी मुसलमान पर कि निकाह इतना आसान है उसके बावजूद बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वातुन निसा असद वकातिहिन्ना निहला, बस अब तफसील और आइंदा करेंगे, बस इतना याद रखो निकाह में कितने खर्च है, एक ही खर्च है। ईजाब कबूल में क्या पैसा खर्च होता है, मेहर, वो भी मर्द पर, वो भी कम से कम 30 पर 2 ग्राम, 3 तोले, और मेहरे फातिमी 1.5 किलो। बोलो मेहरे फातिमी कितना, 1.5 किलो सोना नहीं चांदी, बोलो सोना नहीं चांदी। अब आप कहेंगे हजरत वलीमा, वलीमा ना फर्ज है ना वाजिब है, मुस्ताहब है, ज्यादा से ज्यादा सुन्नत है, वो भी दो दिन के अंदर अंदर करो, तब 3 दिन के तीसरे दिन करने को हदीस में हुजूर ने रियाकारी का शोभा करार दिया है। रहा जहेज का मसला बाकी रह जाता है कि हुजूर ने हजरत फातिमा को जहेज दिया था, वो भी तो है खर्चा का। देखो हजरत फातिमा को हुजूर ने जहेज नहीं दिया था, इसलिए कि क्या दिया था हुजूर ने, क्या क्या दिया था, एक गद्दा दिया था, सलाम हो शारहीन पर, मुहद्दिसीन पर, एक एक जुजिया महफूज किया है अपनी जिंदगी यहां खपा करके, 3 चीजें दी थी, एक गद्दा दिया था, एक तकिया दिया था, और एक पानी का क्या बोलते हैं उसे मशकीजा दिया था। 3 चीजें दी थी, और इसलिए दी थी, दो बातें इसलिए दी थी, देखो वो जहेज नहीं दिया था बल्कि एक नया घर बसाना था, जिस तरह हुजूर हजरत फातिमा के बाप थे, हजरत अली के जिम्मेदार भी हुजूर थे। और दूसरी बात यह है कि अगर यह जहेज है तो दूसरे बनाते ताहिरात के मुतालिक रिवायतों में नहीं मिलता कि हुजूर ने उनको कुछ दिया हो। 4 बेटियां थी हुजूर की, और चारों की चारों हजरत खतीजा से थी, बोलो चारों खती हजरत खतीजा से थी बेटियां, 2 तो हजरत उस्मान की इसमें गई, और एक गालिमा वक्कास एक बेटी हजरत जैनब, हाँ अमर बिन अलास के, और ये हजरत अली को दी थी उसने हजरत फातिमा को, दूसरे 3 बेटियों को नहीं दिया। अगर जहेज होता तो उन 3 को भी देना चाहिए था, अगर हुजूर ने एक को देकर बाकी को ना दिया तो वो क्या नबी है जो अदल इंसाफ नहीं किया, वो क्या आइडियल और नमूना बनने के काबिल है। सलाम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे इस अहकाम 3 अहकाम की तफसील आगे है, इंशाल्लाह फिर अर्ज करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।